हेलो दोस्तों, मैं आनंद इलेक्ट्रिशियन और आप देख रहे हैं अपना चैनल गौतम बोर्ड टेक्निकल चैनल। तो आपके अपने गौतम बोर्ड टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो मेरा मुख्य टॉपिक है, मेन बोर्ड का कनेक्शन कैसे करते हैं, तो चलिए फटाफट आज ये भी सीख लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें क्या क्या सामान लगाया गया और किस काम के लिए लगाया गया। दोस्तों, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं MCB टाइप चेंज ओवर है, ये दो ठो आपका MCB है और आपका ये दो फ्यूज हो गया, और आपका जो ये दो होल्डर देख पा रहे हैं वो बल्ब, ये आपका इंडिकेटर के लिए लगाया गया है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चेंज ओवर है जो कि लाइट का कनेक्शन और जनरेटर का कनेक्शन को आपको एक साथ करके आपको घर में सप्लाई देगा। तो दोस्तों, इसका जो आपका जो लाइट वाला बल्ब है, ये वाला आपका बल्ब ए है, और आपका जो मतलब जनरेटर का बल्ब है वाला बल्ब ए है, ठीक ना दोस्तों। तो नीचे की तरफ आपका जब चेंज ओवर रहेगा दोस्तों, तो आपका जनरेटर चलेगा, और जब आपका ऊपर की तरफ रहेगा दोस्तों, तो लाइट चलेगा। तो चलिए मैं एक बार आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने जनरेटर वाला लाइट को काट दिया हूँ, तो देखिए दोस्तों, यहाँ नीचे वाला में आपको नहीं जलेगा। और यही आपको जब जनरेटर का तार अगर मैं ऑन कर देता हूँ दोस्तों, तो जनरेटर आपका ऑन होगा, तो ये आपका ग्लो करने लगा, और लाइट मान लीजिए भाग गया तो भी ये आपका काम करेगा। तो दोस्तों, ये वीडियो थोड़ी बड़ी होगी दोस्तों, आप धैर्य बना के देखिए दोस्तों। इस वीडियो को देखने के बाद से आपको किसी दूसरे वीडियो को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और आप भी एकदम ऐसे बोर्ड आप भी बना सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं MCB टाइप चेंज ओवर है, ये दो ठो आप देख पा रहे हैं, ये वाला आपका MCB हो गया, और ये फ्यूज और ये दो होल्डर हो गए, ठीक ना दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप होल्डर देख पा रहे हैं, इसमें आपका जब लाइट आएगा तो यहाँ पे आपका बल्ब ग्लो करेगा। यहाँ पे जब आपका जनरेटर चालू रहेगा उस वक्त यहाँ पे आपका जनरेटर वाला बल्ब ग्लो करेगा। तो दोस्तों, ये दोनों होल्डर लगाया गया है सिर्फ और सिर्फ इंडिकेटर के लिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको चेंज ओवर को सबसे पहले लेना होगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं चेंज ओवर में दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको, इसमें 6 टर्मिनल होते हैं। जैसे देख पा रहे हैं, टर्मिनल नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो दोस्तों, एक चेंज ओवर में 6 टर्मिनल होते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको सबसे पहले एक तार लेना होगा। एक तार लेने के बाद से दोस्तों, आपको टर्मिनल नंबर 1 में लगा करके अच्छी तरीके से टाइट करना होगा। इसके बाद से दोस्तों, आपको क्या करना होगा, एक और तार लेना होगा। एक तार लेने के बाद से आपको लगा करके अच्छी तरीके से यहाँ से भी टाइट कर लेना है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप देख पा रहे हैं दो ठो तार मैंने अच्छी तरीके से कनेक्ट कर लिया हूँ। तो ये वाला जो आपका जो रेड वाला तार है, ये फेज के लिए यूज किया जा रहा है, और जो आपका येलो रंग का तार आप देख पा रहे हैं, आपका न्यूट्रल के लिए किया जा रहा है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आपका पोल से तार आता है, वो वाला तार आपको यहाँ पे आपको ला करके ज्वाइंट करना होता है। और ये जो आप देख पा रहे हैं दो ठो टर्मिनल, इन टर्मिनलों में आपको क्या करना होगा, जनरेटर वाले तार को ला करके अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होता है। तो दोस्तों, इसके लिए भी मैंने एक अच्छी तरीके से यहाँ से एक तार लेकर के यहाँ से अच्छी तरीके से कनेक्ट कर ले रहा हूँ। इसके बाद से दोस्तों, आपको क्या करना होगा, एक ठो और तार लेना होगा। एक तार लेने के बाद से इसको भी अच्छी तरीके से लगा करके यहाँ पर टाइट करना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं, नीचे वाले दोनों आपका जो तार है वो भी अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है, और ये ऊपर वाले जो दो ठो तार आप देख पा रहे हैं, ये भी आपका अच्छी तरीके से कनेक्ट हो चुका है। इसके बाद से दोस्तों, आपको क्या करना होगा, दो ठो और तार लेना होगा, वो ला करके आपको यहाँ से अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका आउटपुट के लिए, आपका लोड के लिए तार निकल रहा है, ठीक ना, MCV का। अब दोस्तों, इस चेंज ओवर को आप जैसे ऊपर और नीचे करेंगे दोस्तों, तो इससे चेंज हो करके लाइट आपका दोनों यहाँ से आके आपको मिल जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये जो रेड वाले तार देख पा रहे हैं दाएँ बाजू में, ये वाला आपका फेज का तार हो गया, फिर से ये वाला आपका बाएँ बाजू वाला न्यूट्रल का तार हो गया। अब इसको दोस्तों, मैं इधर साइड में तब तक के लिए इधर रख देता हूँ। इसके बाद से दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप MCB देख पा रहे हैं, एक MCB को आपको लेना होगा। एक MCB लेने के बाद से दोस्तों, आपको यहाँ से अच्छी तरीके से इसमें एक टर्मिनल में आपको लगा करके यहाँ से तार को कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों, MCB में दो टर्मिनल होते हैं, पहला लाइन का होता है दोस्तों, और दूसरा लोड के लिए दिया जाता है दोस्तों, ठीक ना।
तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो आप तार देख पा रहे हैं अच्छी तरीके से यहाँ से कनेक्ट हो गया। इसके बाद से दोस्तों आपको एक और तार लेकर के यहाँ से भी अच्छी तरीके से कनेक्ट करना होगा। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने इस तार को अच्छी तरीके से एकदम कनेक्ट कर लिया हूं। इसको कनेक्ट करने के बाद से दोस्तों आपको फिर से इस एमसीबी को भी लेना होगा और इसमें भी दो तार को लेकर के अच्छी तरीके से कनेक्ट करना है। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने इस एमसीबी को भी दो तार को अच्छी तरीके से लेकर के कनेक्ट कर लिया हूं। जैसे कि दोस्तों आप देख पा रहे हैं, दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो आप एमसीबी देख पा रहे हैं, मैं जब भी इसका कनेक्शन करूंगा दोस्तों तो आपका जो आपका फेज तार होगा दाएँ बाजू होगा, ठीक ना, और ये वाला जो आपका न्यूट्रल तार होगा बाएँ बाजू होगा, ठीक ना दोस्तों। तो अब इसको क्या करना होगा, आप दो ये जो तार देख पा रहे हैं दोस्तों, और इसमें का जो आप चार ठो तार इधर का देख पा रहे हैं और इधर का जो आपका ये जो दो ठो तार है, इस दो तार को क्या करना होगा, ये दो तार आपका जो है इसको यहाँ से जो कटिंग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने पहले से यहाँ से अच्छी तरीके से कटिंग करके रखा हूँ सीट में। तो इसको क्या करना होगा, इस तार को दो ठो को यहाँ से निकालना होगा दोस्तों, ऊपरी वाले को ऊपरी हिस्से से और निचली वाले को निचले हिस्से से, जैसे आप देख पा रहे हैं दोस्तों। तो आपको क्या करना होगा, अच्छी तरीके से नीचे वाले तार को नीचे वाले हिस्से से निकाल लेना है पीछे की तरफ, और इसको भी अच्छी तरीके से ऊपर वाले को ऊपर की तरफ निकाल लेना है। तो दोस्तों चलिए फटाफट इसको निकाल लेते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं मैंने पूरे तार को अच्छी तरीके से पीछे के साइड में निकाल लिया हूं। तो दोस्तों अच्छी तरीके से आपको दिखा देना चाहता हूं, ऊपरी वाले हिस्से का भी तार जो है वो बैक साइड में निकल चुका है। तो अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं इसका जो कवर आता है दोस्तों, ये वाला कवर, इस कवर को लेकर के आपको अच्छी तरीके से इस पर लगा करके टाइट करना होगा। ये वाला जो आपका दो ठो तार है, ये वाला तार आपका क्या होगा कि आपका ये जो तार है ये जाएगा फ्यूज में, ठीक ना। ये जो आपका एमसीबी से दो जो तार निकला है, इस दो तार को आपको नहीं छूना है दोस्तों, एक तरह से कहिए तो, ठीक ना। इसको लोड देना है दोस्तों जो घर का आपका सप्लाई आएगा, ठीक ना, और इस तार को आपको पहले इसको इधर ला करके आपको अच्छे तरीके से टाइट करना होगा। इन दोनों टर्मिनलों को अच्छी तरीके से टाइट करने के बाद से दोस्तों आपको क्या करना होगा, दो ठो तार आपको मैं बताना चाहता हूँ फिर से बैक साइड से। ये जो आप दो ठो तार देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो आपका एमसीबी वाला जो तार निकला है दोस्तों, ये वाला जो आपका जो एमसीबी का जो तार है, इसको आपको क्या करना होगा, इसको लेना है और यहाँ से ला करके इसको अच्छी तरीके से इधर लगा लेना है दोस्तों, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो दोस्तों इन चारों टर्मिनलों में एक एक तार कसने के बाद से आपको क्या करना होगा, इसका जो फ्यूज का होता है जो दोस्तों, इसको फ्यूज को अच्छी तरीके से लगाना होगा। जो ये रेड वाले तार देख पा रहे हैं, ये वाला जो आपका तार है, आपका ये जो लाइट का तार है, ठीक ना। तो लाइट वाले तार में आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा इस तरीके से आपको इंसुलेशन को थोड़ा सा हटाना है, और इसके बाद से आपको इस पर सिंपल से इसको लेकर के अच्छी तरीके से इसको टाइट कर लेना है। पुनः दोस्तों आपको उसी तरीके से क्या करना होगा, इसको लेना होगा एक तार को, एक तार को लेने के बाद से आपको अच्छी तरीके से इसका भी इंसुलेशन को हटा लेना है, और हटाने के बाद से दोस्तों इसको भी लेकर के अच्छी तरीके से यहाँ से कनेक्ट करना है।
दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने होल्डर का तार पहले से ही निकाल कर रखा था, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी मुझे पता है, तो इसीलिए दोस्तों मैंने पहले ही कुछ काम मैंने करके छोड़ा था। तो दोस्तों अब आपको क्या करना होगा, इस पे दोनों स्थान पे आपको इंसुलेशन टेप मार लगा लेना है, और यहाँ से आपको क्या करना होगा, आपका जो आपका सप्लाई आएगा कहने मतलब मेन पोल वाला तार आपको यहाँ से ज्वाइंट करना होता है। इसके बाद से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख पाए जो दो तार आप जनरेटर वाला, इस जनरेटर वाले तार में आपको क्या करना होगा, आपको अच्छी तरीके से इसका भी थोड़ा थोड़ा इंसुलेशन को हटाना है यहाँ से, और इसमें भी आपको ला करके तार को अच्छी तरीके से ज्वाइंट करना है। तो दोस्तों ज्वाइंट एकदम आपको अच्छी तरीके से करना होता है, जब भी आप ज्वाइंट करें तो एकदम टाइट कर लें। इसके बाद से दोस्तों आपको एक छोटा टेप लेना है, टेप लेने के बाद से आपको इसको अच्छी तरीके से लगा करके आपको टेपिंग कर लेना है दोस्तों। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने चारों तारों को अच्छी तरीके से यहाँ पे टेपिंग कर लिया हूँ, कहने मतलब ठीक ना दोस्तों। अब इन तारों में आपको मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो आप दो तार देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला जो तार आपका दोनों है, ये वाला आपका तार जनरेटर का तार है, और ये जो आप दो तार देख पा रहे हैं दोस्तों, ये वाला तार जो आपका है, ये वाला आपका तार लाइट वाला है, ठीक ना। तो लाइट वाले के लिए लाइट वाले होल्डर में इसको कनेक्ट कर लिया गया है, और जो आपका मतलब जनरेटर वाला है, जनरेटर वाले होल्डर में आपको लेकर के अच्छी तरीके से टाइट कर लिया गया है। तो दोस्तों अब चलिए इसका सप्लाई दे करके इसको ऑन करके चेक करते हैं दोस्तों आपके सामने कि प्रॉपर रूप से बोर्ड काम कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये जो आप देख पा रहे हैं दो तार, ये वाला आपका जो तार है, ये घर में जाएगा दोस्तों आपका, जो कि लोड के लिए जो तार है, ठीक ना दोस्तों। तो इस पर आपको मैंने एक बल्ब लगा करके आपको यहाँ पे जांच करके दिखाने वाला हूँ कि ये प्रॉपर रूप से काम कर रहा है नहीं। तो देखिए दोस्तों इसको यहाँ पे लगा कर अच्छी तरीके से टाइट करना है। अच्छी तरीके से इसको ले करके इसको कनेक्ट कर लिया हूँ तार से, जो कि अब मैं इसमें लाइट दे करके अब सप्लाई आपको ऑन करके दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि जो लाइट वाला तार है उसमें लाइट के लिए दो थोड़े तार को जोड़ लिया गया है, और यहाँ से आपको मैं दिखाना चाहता हूँ जो जनरेटर वाला तार है, यहाँ से आपको जनरेटर वाले तार में भी दो थोड़ा आपका सप्लाई जोड़ लिया गया है, ठीक ना दोस्तों। अब इसको मैं सीधा कर लेता हूँ बोर्ड को। बोर्ड को सीधा करने के बाद से दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूँ, ये जो आप बल्ब होल्डर देख पा रहे हैं दोस्तों, ये आपका लोड के लिए दोस्तों, जो कि MCV 100 के लाइट यहाँ पे आएगा, ठीक ना। और ये वाला जो चेंज ओवर है दोस्तों, इसके थ्रू आपका क्या होगा, जनरेटर और लाइट का जो होगा आपका अच्छे तरीके से जो कि चेंज करेगा, ठीक ना। और जो आपका जो बल्ब होल्डर हो गया दोस्तों, जो आप देख पा रहे हैं, इसको लेकर के आपको अच्छी तरीके से इसमें लगा लेना होगा। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको मैं सबसे पहले इसको ऑफ कर ले रहा हूँ, ये चेंज ओवर भी आप देख पा रहे होंगे, ये न्यूट्रल में है इस वक्त। इसके बाद से दोस्तों मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से आपको लाइट में लगा करके यहाँ से दिखाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि मैंने लाइट वाला कनेक्शन आपको दे चुका हूँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं वाला बल्ब आपका ग्लो कर रहा है। इसके बाद से दोस्तों मैंने यहाँ से आपको क्या किया हूँ कि जनरेटर वाले भी सप्लाई को आपको ऑन कर दिया हूँ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो दोनों बल्ब लगा हुआ है, ये दोनों मेन तार पर ही लगा हुआ है, ठीक ना। इसके बाद से दोस्तों मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ, ये जो MCV देख रहे हैं, ये MCV आप जानते भी होंगे, एकदम अच्छी तरीके से ऊपर की तरफ रहेगी तभी सप्लाई काम करती है, अगर नीचे गिर जाएगी दोस्तों तो आपकी सप्लाई काम नहीं करेगी। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस चेंज ओवर को ऊपर की तरफ करता हूँ, जो कि लाइट्स हमारा परफेक्ट रूप से काम करेगा। तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहे हैं कि बल्ब अच्छी तरीके से ग्लो कर रहा है। इसके बाद से दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसको नीचे की तरफ करेंगे तो क्या होगा, जनरेटर का लाइट आपका अच्छी तरीके से काम करेगा। तो दोस्तों अब मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि यहाँ से आपको लाइट पे चल रहा है, इसके बाद से आपका MCV अगर ट्रिप कर जाएगा तो आपका लाइट कट जाता है, या आपका एक फ्यूज भी निकल जाएगा दोस्तों, तो आपको क्या होगा कि यहाँ से लाइट की सप्लाई जो होगी वो घर में आपकी नहीं रहेगी दोस्तों, और मेन बोर्ड में आपकी बत्ती जो दोनों होगी वो जलती रहेगी, इंडिकेट करती रहेगी कि आपका लाइट है या जनरेटर भी है। तो दोस्तों इस तरीके का फॉल्ट जब भी आता है दोस्तों, तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले मेन पे ही जाँच करना होता है, ठीक ना। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो आप लोगों का कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अगर हमारे चैनल पहली बार आए हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में ही बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे मेरे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।